such a big balloon. आला जाते हैं फिर बैठकर मैं कहती यार ये क्या अजाब है मेरे तो अजाब दे हो मुल्तान में यू नो बहुत गर्मी पड़ती थी तो इसके वो छत के ऊपर से ना वो कलर उतर गया कि तुम्हारे जैसे जो में आने लोग हैं वो ये भी आ गए अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग तो गाइस इसका व्लॉग शुरू करते हैं और हवा के साथ ठंडी हवा लेकिन धूप भी है चलो खैर देखते हैं पहले नाश्ता मेरे ख्याल से मिल्कशेक है चलो ओके मिल्कशेक बनाना है तो दूध जो है हम लेके जाते हैं किचन में मैंगो कटे हुए हैं ऐसा ही बनाते हैं इसको एक दफा वॉश कर लेते हैं और फिर इसके अंदर डालते हैं सारा कुछ सो यार गाइस मैंने ना मतलब वॉश करके दूध और सारा मैंगो जी कटिंग की और थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी अब हम इसको चलाते हैं ये मैंने बनाया हाय हाय आज मैंने बनाया फर्स्ट टाइम ये मतलब काफ़ी अर्से बाद मज़ेदार सो अब बड़ा डाली मैंने क्रश कर लिए बहुत ज़्यादा थे बड़े पीसेस अब इसमें डाल देते हैं और फिर पीते हैं यार ठंडा करके चलो ये निकल गया टूट गया इसको जोड़ के ना इसके ऊपर लगा के ऐसे थोड़ा सा हिला के फिर डाल के पीते हैं 5 minutes later यार बड़ा फायदा ही लेकिन है बड़े मजे का मजा आ रहा है मजे का बन गया चलो मैं फिनिश करती हूँ तो गाइस इतनी सारी पालक आ गई है जी आज बन रही है जी पालक आलू तो अम्मी शेरे मैं इनको ऐसे ऐसे बना के देती हूँ ये सारा गंडल गंडल 20 minutes later ये सारा चुछ रही है तो लेकिन ये सारा चीज़ है अब आलू पालक गोश्त बन के आ गया रायता सलाद खीरे और चलो खाते हैं मजे ही बन गए यार मजेदार नजर आए गाइस कल गरमा खा रहे थे ना उसके बीच और ये चाय और ये आ गया हमारा शरबते फोला इसलिए होता है ये गाइस ये मेरी अम्मे का हाथ पता कैसे ये हुआ है ये वैक्स हुआ है ना ये वैक्स हुआ और ये छुरी लग गई पालक काटते ये छुरी लग गई है आज पालक ये गर्मा गर्म वैक्स कर लिया मेरे को वैक्स हुई भी नहीं अपने अपने तजर्बे अपनाती रहती हैं कि मैं ऐसे वैक्स कर लेती हूँ मैं वैसे वैक्स कर लेती हूँ फिर ऐसे हो जाता है कुछ पता होता नहीं अपने एक्सपीरियंस करती रहती हैं हम भी वही तजर्बे करती हैं मुझे कही जे कराला कराला मैं कह नहीं करानी मैं सारा सिर खाती हैं घर तू कराला कराला कराई यार मेरी सारी स्किन वो मतलब ऊपर से उतरने लगी है बार बार जब वो एक दफा रिपीट करो ना नहीं यार अगर बार बार रिपीट करो फिर ऐसे ही होता है मतलब स्किन वो होती है और भी यार अच्छा मेरे साथ ये होता है कि मतलब वैक्स करा ली ना अभी उसका दर्द खत्म नहीं होता जब बाल फिर से ग्रोथ होने लगती है उसकी वजह से ईचिंग होती है अच्छा वो ईचिंग का दर्द अभी खत्म होता ही है ईचिंग कर करके वो फिर बाल आ जाते हैं फिर वैक्स कर मैं कहती यार ये क्या अजाब है मेरे तो अजाब लगता है ये सब कुछ करना सुबह जी आए हैं जी समोसे और चावल मतलब अमीर बच्चे हम हैं गरीब बच्चे मतलब ये लोग बस अमीर इनका यही चलता रहता है यार हम लोग को वही आलू पालक मिलती है यार क्या करें मतलब अब जब से पाकिस्तान में अब यही रूल चलने लग गया जैसे ही आप 18 से ऊपर हो गए मतलब बस अपना खर्चा खुद ही उठाओ माँ बाप कहते हैं यार नहीं अब तो मेरे ख्याल से अगले जो एक साल आएगा ना 2023 में माँ बाप ने कहना बच्चा पैदा कर दिया हमने अब आगे जो है ना खुद ही खा हमारा ना सर खा यार इतनी महंगाई और फिर नेट का एक अलग ही इशू चल रहा है खैर चलो कोई बात नहीं हम हमारा तो पेट रच गया ना हम बीज ही खाते हैं क्या हमें भी चिंता आ रहा है ए दी ना से दी से तबीयत नहीं कभी ठीक होती ना अब वही लड़ाई हो रही है जी अम्मी कह रही है कि तूने क्यों समोसे खाए मतलब तूने वो क्यों नहीं खा सकती थी पालक से रोटी नहीं खाई कि इसके सर में इसके दर्द है ऊंग पटांग हरकतें इसकी है हाँ कोई रिलेशन नहीं बनता ना तो तुमने क्यों नहीं खाई पालक पालक आलू गोश्त क्यों नहीं खाया मुझे ये बताओ समोसे खाना जरूरी है यस ओए पालक गोश्त क्यों नहीं खाया माय लाइफ माय रूल मैं नहीं खाता था अच्छा
गाइस बारिश होने लगी है बहुत तेज तेज, और ना मेरा दिल कर रहा था कि हम जाते हैं मच्छी खाने इस मौसम में, लेकिन हमारी गाड़ी अब तक आई नहीं है वापस यार, रिपेयर होके अभी, मतलब उसके नीचे से झूला वगैरह जो होता है ना गाड़ी का वो हो गया था, लेकिन अभी और बाकी और काम भी रहते थे गाड़ी के, तो वो अब मैं इतना दिल कर रहा ना, मैं अपनी अम्मा को भी बोला कहती ले की करना तू इस टाइम जाके, इस टाइम नहीं मच्छी लभदी यार, यही तो मौसम है, कहती रात में जाके खाई जो हले तक मच्छी जो ना कट्टा पै जूगा, अंधेरी चल रही थी यार, दिल अभी कर रहा है कि अभी जाके खाएं मच्छी है यार, आधे घंटे का सफर है यहाँ से हमारे घर से ना तो, लेकिन ना मेरी मम्मा कहती है नहीं यार, मैं इतना दिल कर रहा हूँ वहाँ पे जाके मच्छी खाएं, इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं, बट ना गाड़ी है ना मेरी अम्मा मान रही है, क्या कर रही हो तो अब जो है ये कलर करने लगे, लाइट भी चली गई यार, समझ नहीं आती क्या करूँ, मतलब क्या करे यार, बस करियो ये कौन सा कलर ले आई अम्मी, अम्मी ये कौन सा कलर ले आई, मेरी मम्मा आप कलर करने लगी हैं जी बारिश के मौसम में, पिछली दफे यही किया था, ये लेके आई हुई है, फ्रेश कोड ये है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, चलो कर लो, ये गाइस एक बच्चा है, बारिश तो हो रही है, ये अपने बुलबुले बनाई जा रहा है, जैसा पहले कर रहे थे वैसा करके दिखाओ, ये पहले यहां पे नीचे बैठ के पता नहीं जीव जीव हरकतें कर रहा था इसी के साथ ही, ये उसने घर में खुद बनाया है ना, और सबसे बड़ा फ्लॉग में देखना, चलो फ्लॉग सबसे बड़े वाला फ्लॉग दिखाओ, ये दीजिए जरा बैठ के, इधर बारिश हो रही है, उधर बारिश हो रही है, अच्छा चलो, नहीं उतना बड़ा नहीं फूला जैसे पहले फुलाया था, इतना बड़ा वो तो नीचे फूल बैठ के, नीचे बैठ के कर फिर फूल फूलेगा कसम से, वाकई हाँ अब ये फूला वाकई में, अब पंखे आगे फूल ना था लाइट आ क्या उससे बड़ा, अच्छा नहीं फूल रहा अब, बस करो बस नहीं पूरा, बस 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 अब देखो तो नहीं, अब भूलेगा भूलेगा भूलेगा, अच्छा ये इसकी ट्रिक की है, देख रहे हो आप लोग कैसे इसकी ट्रिक्स कर देंगे, ओ माय गॉड सच अ बिग बैलून, छोटा भी करो सो गाइस ये इसके ऊपर से ना ऐसे मतलब धूप में खड़ी रहती थी ना मुल्तान में, यू नो बहुत गर्मी पड़ती थी, तो इसके वो छत के ऊपर से ना वो कलर उठ गया, तो वो अब ब्लैक मैट में करवा दिया ना, और वो एंटीना भी टूट गया था, मैंने व्लॉग बनाया था वो भी लग गया, और अभी ना मतलब इसके नीचे से जो होती है ना क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे झूला वगैरह यार, उसका मतलब शार्प वगैरह डलने वाले रहते थे इसके, क्योंकि जिससे हमने ली ना उन्होंने कभी इसका काम कराया ही नहीं था ना, तो फिर अब फर्स्ट टाइम ये खुली और हमने इसके मतलब वो करवाया सारा कुछ, और अभी पैनल जाल सीढ़ी का जो है वो चेंज करना, प्रोटेक्टर, और हमने डैशबोर्ड पे सोचा एक मैट वगैरह लेना है, और अभी मतलब अंदर एक दो और चीज़ें भी ख़राब है, साइड मिरर्स पहले हिलते थे वो भी भाई ने सेट करवा दिए, अभी अभी फ्रंट कैमरा भी और एक दो और चीज़ें भी है वो भी होनी है, बट अभी वो आ गया, वो कह रहा कि मैकेनिक कह रहा कि अभी ना टाइम नहीं है, तो अभी आ गई, लेकिन अब हमें सोच रही हूँ कि हम फिश खाने चलते हैं, देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते, चलो अभी मनाती हूँ इन्हें, खैर तो फिर आज की वीडियो यहीं पर खत्म होता है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अल्लाह हाफिज़।